राज्यपाल कलराज मिश्र ने स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेमिनार का किया उद्घाटन। कहा, किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि में विविधीकरण और कृषि विपणन के कारगर तरीकों की है महती आवश्यकता। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की चतुर्थ राज्य स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। जनजाति क्षेत्रीय स्कूल के करीबन 1200 बच्चों ने लिया प्रतियोगिता में भाग। प्रतापगढ़ में मिशन 2023 अभियान को लेकर नागरिकों को संवेदनशील बनाने के लिए कार्यक्रम का हुआ आयोजन। ग्राम पंचायत स्तर के हितधारकों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लिया भाग। बूंदी में स्वीप कार्यक्रम के तहत दिव्यांगों को मतदान का महत्व बताने के लिए दिव्यांग मतदाताओं ने निकाली मतदाता जागरूकता रैली। जिला निर्वाचन अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना। धौलपुर में 3 दिन से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। निचले इलाकों में भरा पानी, लोगों ने प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। जिला कलेक्टर को समस्या से करवाया अवगत। प्रतापगढ़ में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर इंद्रजीत यादव के निर्देशानुसार विधानसभा चुनाव 2023 को देखते हुए जिले में स्वीप गतिविधियों का किया जा रहा है आयोजन। मतदाताओं को किया जा रहा है जागरूक। सीकर में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर निकाली गई जिला स्तरीय रैली। आत्महत्या की रोकथाम के लिए संबंधित मिथकों और तथ्यों के प्रति लोगों को किया गया जागरूक। हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय में विशेष व्याख्यान का हुआ आयोजन। मुख्य वक्ता प्रोफेसर केजी सुरेश ने कहा, रोटी कपड़ा और मकान के अलावा डाटा है व्यक्ति की मौलिक आवश्यकता। श्वेतांबर समाज के पर्युषण महापर्व आज से शुरू। 8 दिन तक चलेगा विशेष पूजा अर्चना एवं अध्यात्म तप। पर्युषण पर्व की पूर्व संध्या पर रंग बिरंगी रोशनी में नहाया आयड़ जैन तीर्थ। जोधपुर में जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2023 के फसल कटाई प्रयोगों के विषय पर की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। फलोदी में जिला परिवहन कार्यालय में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग का संवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जिला परिवहन अधिकारी भारत जांगिड ने बस ऑपरेटर्स, ट्रक ट्रांसपोर्ट्स यूनियन सहित कई यूनियन और स्वयंसेवी संगठन एवं आमजनों से परामर्श कर लिए सुझाव। नागौर में सप्त शक्ति कमांड की रणबांकुरा डिवीजन द्वारा 17 सितंबर को पूर्व सैनिक रैली का किया जाएगा आयोजन। रैली का उद्देश्य पूर्व सैनिक और वीर नारियों की समस्याओं का समाधान कर उन्हें जागरूक करना है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसे गांव नग्गी में नग्गी युद्ध स्मारक केंद्र का हुआ शिलान्यास। केंद्र की पहचान पर्यटन स्थल के रूप में होगी, जिससे क्षेत्र में विकास को मिलेगी नई गति। उदयपुर की प्रतापनगर पुलिस ने दोपहिया वाहन चोरी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। एक आरोपी को गिरफ्तार कर 20 मोटरसाइकिलें की बरामद। अन्य आरोपियों की तलाश जारी। और मेरी माटी मेरा देश के तहत नेहरू युवा केंद्र संगठन राजसमंद द्वारा एकत्रित की गई मिट्टी रैली निकालकर पौधारोपण का दिया गया संदेश।